हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छोटे डॉट कॉम मैं नेम इज़ रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स बैंक ऑफ बरोडा सीनियर मैनेजर एम एस एम ई एग्जाम नोटिफिकेशन इज आउट आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट एंड राइट नाउ यू आर प्रिपेरिंग फॉर दिस एग्जाम राइट सो टूडे एम गोइंग टू शेयर द शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स तो देखिए यहाँ पर एक चीज है दैट There is no negative marking in the quant reasoning and English, and you need to score 40% marks. And today, I'm going to tell you how you can do that. I'm going to share important topics. Important topics, you can, tell, which you can easily score. My name is Ramandeep Singh, and I've been teaching on bank exams today from last 12 years now. This is my WhatsApp number where you can ask your doubts, and I'm going to answer your doubts. Okay. So, uh, in the online exam, there is reasoning ability English and quant, 25 marks each, and there is professional knowledge. Notification me clearly mentioned that you need to score 40% marks in English reasoning and quant, 40% marks. So 10 marks each from quant reasoning in English. There is no negative marking in quant reasoning and English. No negative here. Okay. No negative marking in first three sections, but there is negative marking of uh, negative marking of 0.25 in the professional knowledge section. Okay. सो आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपको रीजनिंग में सिर्फ दस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन के आंसर को सही अटैम्प्ट करना है राइट बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पच्चीस के पच्चीस क्वेश्चन अटैम्प्ट यू आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर आप सात आठ क्वेश्चन भी सही से अटैम्प्ट कर दें और बाकी के क्वेश्चन आप रैंडमली अटैम्प्ट कर दें तो भी आप पास हो जाएंगे राइट right? तो 25 में से सिर्फ सात आठ क्वेश्चन ही आपको एक्चुअली आने चाहिए बाकी तो प्रोबेबिलिटी की गेम है वो आप कर ही लोगे, राइट? ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड द इंटरव्यूज ठीक है तो उसपे ज्यादा स्कोर करना जरूरी है उसपे ज्यादा फोकस करना जरूरी है ओके इट इज क्लियरली दैट जो फोर्टी परसेंट जो है फॉर द जनरल कैटेगरी कट ऑफ है फॉर द जनरल फॉर द रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांट नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं है प्रोफेशनल में नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट टू फाइव की ओके सो इन द मैं पूरे का पूरे सिलेबस नहीं बता रहा हूँ नॉट टेलिंग यू द इंटायर सिलेबस वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हाउ यू कैन स्कॉट टेन मार्क्स इन क्वांट क्वान मार्क्स इन रीजनिंग एंड टेन मार्क्स इन इंग्लिश सी यू विल बी गेट फाइंडिंग टू डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स वन और टू डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स सो इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस you will be able to score like 10 marks that's easy peasy yahan quant ho if you are able to find number series here super easy profit and loss or averages partnerships mixtures and allegation time and work and percentage and interest i have never seen anybody failing in quantitative aptitude quant is the easiest section out of three reasoning quant and english

दिक्कत कहां पे आती है दिक्कत आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी में अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स एक सिटिंग अरेंजमेंट का सेट आ गया और एक पजल का आ गया एंड नाउ आउट ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन आंसर टेन करेक्ट ओके तो यहां पे दिक्कत आ जाती है क्योंकि इफ यू आर अ न्यू भी आपने रीजनिंग अभी करा नहीं है तो आपको शायद दिक्कत आ जाए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आप ऑलरेडी करते हो करा हुआ है पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सो इन केस यू फाइंड द स और इन इक्वालिटीज़ तो चार पाँच का सेट ही आता है तीन चार क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं चार पाँच इन इक्वालिटीज़ या मशीन इनपुट आउटपुट कोडिंग डी इनमें से ही पाँच पाँच के दो दो सेट आने हैं प्लीज़ फोकस ऑन दीज टॉपिक्स दीज फर्स्ट टॉपिक्स प्लीज़ फोकस यर एनी वेज डायरेक्शन सेंस टेस्ट वन टू क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ब्लड रिलेशन वेरी इजी टॉपिक्स ये वाले आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं राइट right? टॉपिक्स ईजिली यू कैन स्कॉ टेन मार्क्स जस्ट इतना करके मोस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजनिंग कभी नहीं किया है दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ पजल दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बाकी के टॉपिक कर लोगे आपका रीजनिंगेबिलिटी निकल जाएगा और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में रीजनिंग ही, ही है जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा एज पर डेटा एज पर माई एक्सपीरियंस रीजनिंग में स्टूडेंट्स रह जाते हैं ज़्यादातर इंग्लिश इज नॉट टफ एट ऑफ

आई वुड से आर बी आई सर्कुलर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट थ्री ईयर्स स्टार्ट फ्राम जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन द प्रीवियस पेपर्स आई हैव सीन क्वेश्चन फ्राम वेरी ओल्ड सर्कुलर पुराने पुराने सर्कुलर में से क्वेश्चन आते मैंने देखे हैं और वह आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना राइट लॉज नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट्स एक्ट नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करना जरूरी है नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन आई बी सी सरफाइसी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन में आपका लिमिटेशन लॉ आ जाता है आपका करेंसी uh, जो है एक्ट है रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी एक्ट आ जाता है वो जरूरी है बैंकिंग डायजेस्ट पढ़ें पूरा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पढ़ लें जस्ट फिफ्टीन पेज का एक डाइजेस्ट है डेढ़ सौ पेज ही है अगर नहीं पढ़ सकते इतना तो छः महीने का पढ़ लें रेशियो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इज लॉज एंड सर्कुलर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स भी पढ़ लें दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू बैंकिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस रिलेटेड टू एम एस एम ईज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट दैट दैट ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी इतना करने का टाइम नहीं भी है तो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवरज इज इंपॉर्टेंट डरेवेटिवज इज़ इम्पॉर्टेंट ओके

आरबी के मास्टर सर्कुलर्स और सर्कुलर्स गवर्नमेंट स्कीम सारे लॉस सारे डाइजेस्ट अगर आप कर लेते हो और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक्स अगर आप कर लेते हो रेशियो एनालिसिस डेरिवेटिव लेवरेजेस कैपिटल बजटिंग टाइप्स ऑफ बॉर्वर्स बेसिक्स ये कर लेते हो प्लस आप, आप आवर कैप्सूल पढ़ लेते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम आई एम प्री श्योर आई एम डेम श्योर इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट योर सेल्फ यू कैन डू इट प्लीज़ सप्लीमेंटेड बाई फाइव मॉक टेस्ट फाइव मॉक टेस्ट लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना जो है स्कोर कर सकते हो वंस यू टेक द मॉक टेस्ट आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर एबल टू रीच द फोर्टी परसेंट मार्क्स इन द क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश प्लस इफ़ यू आर एबल टू रीच द फोर्टी परसेंट मार्क्स इन प्रोफेशनल नॉलेज फोर्टी फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट आई कैन एश्योर यू यू आर गोइंग टू क्रैक द फाइनल एग्जाम आई कैन एश्योर यू दैट How you can do that with the help of our course Banka Baroda Senior Manager Scale 3 course, in which we are providing the video classes, notes, quizzes, test series, and doubt clearing sessions. Link to join the course is available in the description. Please check the description. We are going to cover the entire syllabus. Whatever I have taught you till now, I'm going to you know cover that in detail. Whatever I've told you till now, wo bhi sare ka sara cover in the course. If you want to do it yourself, you can do it. But we are going to save your time. Okay, by taking the course, I can assure you, you won't be wasting your time. Whatever you are reading is well and deep researched. It's amazing value for money, right? So, uh, list of our successful students all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I am really, really happy for them. I'm really, really proud of my students, right? So, uh, my WhatsApp number, I guess you already have my WhatsApp number. Otherwise, let me just give it to you. You can drop me a WhatsApp message in case of any doubt. Otherwise, link to join the course is available in the description. Please check. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.